त्याग और समर्पण बराबर प्रेम होता है। त्याग और समर्पण बराबर प्रेम। यहां त्याग वृत्ति नहीं है, समर्पण नहीं है, वहां प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम में अधिकार नहीं है, प्रेम में शर्त नहीं है। देखिए, हम आपसे प्रेम तो करते हैं, लेकिन हमारी ये शर्तें हैं। ले प्रेम शर्तिया नहीं होता है, प्रेम में समर्पण होता है, त्याग होता है। क्या कर दूं कि वो प्रसन्न हो जाए। आपने सुना होगा श्री हनुमान जी महाराज को सिंदूर क्यों चढ़ता है, कथा सुनी है ना आपने, सुनी है तो मैं इसको नहीं सुनाता हूं। वो प्रेम है, प्रेम अपनी चाहत नहीं रखता, प्रेम जानता है कि ये कैसे मिलता है, निरपेक्ष। भरत जी को भगवान अनन्यतम प्रेम करते हैं, इसलिए भरत जी भगवान से कभी कुछ चाहते नहीं। आप कहीं दर्शन करिएगा, भरत जी भगवान से कुछ नहीं चाहते। प्रेम अपने प्रिय तत्व के मन का बहुत ध्यान रखता है, ख्याल रखता है, स्मरण रखता है। उनके मन को क्या भावेगा, ये प्रेम। प्रेम व्यवहार की सिद्धांत की आचार्यां हैं मां गोपियां, रह गई कृष्ण तत्व के प्रेम में रह गई। उन्होंने कामना नहीं की कि हम भी कृष्ण के साथ द्वारिका चले, रह गई जहां थी बरसाने में रह गई। ये प्रेम है, और प्रेम परिवार में करिए, समाज में करिए, कहीं करिए, निरपेक्ष होकर करिए। कभी भी अपेक्षा न रखी जाए तो प्रेम शाश्वत निर्वाह करता है, चलता ही रहता है। लक्ष्मण जी का भगवान में प्रेम नहीं है, भगवान को क्या अच्छा लगता है इसमें भी प्रेम नहीं है। भगवान के लिए क्या उचित है, लक्ष्मण जी इस व्यवहार का ध्यान रखते हैं, इसलिए लक्ष्मण जी का राम प्रेम नहीं है, राम जी का लक्ष्मण में प्रेम है। दोहा दर्शन करिए, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगतया, लक्ष्मण जी राम जी में प्रेम करते, ऐसा नहीं है। लक्ष्मण जी की मान्यता है, माता पिता भाई बंधु प्रभु सब हम आपको मानते, मोरे सब एक तुम स्वामी, परंतु मेरे राम जी लक्ष्मण जी में प्रेम करते। कोई आपको प्रेम करे, कोई आपके लिए सोचे, तो आपको उसकी उत्पात भी अच्छे लगते हैं, उसका टेढ़ापन भी आपको अच्छा लगता है, क्योंकि हमको प्रेम करता है। उसके अनेक अपराध हम गिनते नहीं, लिखते नहीं, सोचते नहीं, हमको प्रेम करता है। गलती हो जाती है, चलो। आपके जीवन में कोई लखनलाल जैसा नटखट हो तो आप भाग्यशाली हैं, आपको चिंता नहीं करना, सब वही करेगा। आपने सुना होगा 14 वर्ष तक लखनलाल जी विश्राम नहीं किए, नेत्र बंद नहीं किए, राग रोष ईर्षा मद मोह, स्वप्न में भी लक्ष्मण जी ने इनको आगे आने नहीं दिया, अपने जीवन में स्पर्श नहीं करने दिया। इसलिए राम जी लक्ष्मण जी में प्रेम करते हैं, इसको ठीक से बांधिएगा। क्या हमारा जीवन ऐसा है, क्या कोई हमको भी ऐसा प्रेम करता है, क्या हम किसी के लिए ऐसा समर्पण बना के रखते हैं कोई हमको प्रेम करे।
या हमको केवल अपनी पड़ी है? प्रसंग कह रहा है, लक्ष्मण जी प्रभु की सेवा में, शत्रुघ्न जी भरत भैया की सेवा में। शत्रुघ्न चरित्र अद्भुत है साहब, मौन चरित्र है भैया। शत्रुघ्न का चरित्र मौन है। हम भी अत्यंत भाग्यशाली हैं यदि कोई लखनलाल जैसा भाव रखने वाला हमारे प्रति मिले। एक पल को सोच में परमात्मा गए, लक्ष्मण जी ने धनुष बाण उठा लिया हाथ में, अब जो होगा देखा जाएगा, बहुत हुआ, अब नहीं, अब तो हम हिसाब करेंगे। अरे भरत जी से, भाई से, रघुवंश का स्वभाव नहीं? लेकिन नहीं, प्रियता प्राप्त होती है तो ज्येष्ठ श्रेष्ठ के प्रति भाव रखना पड़ता है। जो रखता है उसको प्रियता प्राप्त होती ही है। गुरुदेव भगवान ने लीला को आगे बढ़ाया और कहा, राजन आपके पत्र कितने लाला है, कितने आनंदी हैं, आप परम सौभाग्यशाली हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं। चक्रवर्ती जी को सुनते नहीं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।